If I look sleepy right now, then it's because I am sleepy. I just slept for like 1.5 hours. But that doesn't matter at all. It's almost 6 a.m. on a Monday morning. People must be going to work, going to school, going to college, doing their usual shit. But humka usual karne wale hai. We're gonna do something that is different for us. We're gonna make this day more than just a day. Say ekdam energy, ekdam lucky. Energy, energy. I guess let's just go. I'm really excited for today. Chalo! Coming alive. Heated at night. Now is the time. Don't try to hide. Cause I'm gonna haunt you like an animal. Vibranties! Vibranties! Up for you! तो अगर मैं अपने बारे में कोई चीज बताऊं ना, तो मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है ना, वो है कि जब हम एकदम अपॉर्चुनिटी को यस करते हैं, या हम यस ना भी करें लेकिन हम शुरू करते हैं, और वो होता है चले चले चले। तो इसलिए अगर तुम मेरे दोस्तों से भी पूछोगे ना कि मैं सबसे ज्यादा चीज क्या बोलता हूँ, तो वो ना एक ही चीज बोलेंगे, चले 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 चले। मुंबई कर निकल, मुंबई कर निकल। ये मेरे ख्याल से काफी नहीं है प्रियांश, है ना? चलो, जब किसी छोटे बच्चों को ऐसे टॉय शॉप में छोड़ देते हैं ना, जब ऐसे खाने की मार्केट में मुझे छोड़ देते हैं ना, वी माइट बी नीडिंग इंस्टेंट एनर्जी। चलो किसी दिन पैसे देना फिर लेंगे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मुझे चले में जो फील है ना, जो एकदम चलने में जो फील है ना, वो फील है ही नहीं किसी और चीज में। तो जब हम लास्ट वीडियो कर रहे थे, जब लास्ट व्लॉग कर रहे थे मोमोज वाला, तो मी एंड अदिति केम अप विद दिस आइडिया। हम इसे बात कर रहे थे और हमने जगह डिसाइड करी कि सीपी चले, तो अदिति ने कहा चले, हमने कहा चले चले चले, और फिर एकदम आया क्या हम लिटरली चले। तो सीपी तो नहीं, लेकिन हम अभी इंडिया गेट जाने वाले हैं। कैसे? चल के। चल के, क्योंकि चले चलो अरे चलो चले। गंदगी कितनी है यार, घर से निकलो, बदबू आ रही है। हम इंडिया गेट जाने वाले हैं, which is 15 kilometers from Noida sector 18, जहाँ पे हम अभी थे। गूगल मैप्स में 3 घंटे दिखा रहा है ना। देखो वैष्णो देवी 14 किलोमीटर है, उनके पास ना अलग वाइब होती है, एक अलग फील होती है, और एक मोटिव होता है चढ़ने का। हमें आइसक्रीम मिलेगी। अरे ये तो है, हमने 7:30 पे शुरू करा था, इट्स 8:24 राइट नाउ, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो चुका है। हम नोएडा से बाहर आ चुके हैं, दिल्ली स्टार्ट हो चुकी है। इस बार ना हम सिर्फ 3 हैं। जब हम दोस्तों के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हमारे साथ ना एक आदमी नहीं है जो बचपन से ही मेरे साथ था, मतलब नर्सरी से साथ था। उसका नाम है दक्षपुरी, क्योंकि वो जा चुका है पटना अपने कॉलेज वॉलेज पढ़ने, और अब वो 4 साल वहीं रहने वाला है। तो इसीलिए ना मैं उसकी ऐसे इमोशनल वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि उसकी नहीं बना सकती, उसकी बहुत फास्ट, उस पर फीचर फिल्म बनेगी। दक्ष अगर तू देख रहा है तो मैं वादा कर रहा हूँ तेरे पे फीचर फिल्म बनेगी। लेकिन अब तुम लोगों को क्या करना है कि दक्ष का ना हैंडल ये रहा इंस्टाग्राम का, जितना प्यार जितना सपोर्ट भेज सकते हो ना, सब भेज दो उसको, डीएम भर दो उसके, जितना हो सकता है उतना करो। हमारा लड़का अकेला गया है, उसको सपोर्ट दो यार। खैर अब हम आगे जाएंगे, हमारे 11 किलोमीटर अभी भी बचे हैं। चलो चलो भाई, थकना नहीं है। अरे थके नहीं है भाई। अरे कोई नहीं थका, भागो भागो। अरे आ जाओ जल्दी, तुम लोग आ रहे हो ना। दक्ष को सपोर्ट दो, उससे मुझे याद आया कि जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है ना, वो तो एक्सेप्शनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, मतलब मैं ना इतना थैंक कर नहीं सकता, और सॉरी अगर मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। लेकिन थैंक यू सो मच जिसका भी सपोर्ट बना हुआ है। लिव अ वाइब्रेंट लाइफ यार, पॉजिटिव लाइफ जियो, खुश रहो। अभी हम अक्षरधाम पे हैं। तो वी आर एट अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन राइट नाउ। हम कैफे कॉफी डे में हैं और हमने एक ब्रेक लिया है। 7.3 किलोमीटर अभी भी बचे हैं। 9:58 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। हमें इतनी देर नहीं होती, बहुत सारे टाइम लैप्स नहीं लेने होते यार। और व्लॉग तो बनाना पड़ेगा। और यार चलो इस ब्रेक को खत्म करते हैं और अपनी वर्क को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम थकते नहीं है। क्यों भाई, क्यों भाई, लेट्स गो यार, इट्स गुड, इट्स गुड।
भाई क्या जगह ले आए तो ये आदिति आदिति गूगल मैप्स खोल के बैठी है ताकि हम पहुंच पाए अपनी लोकेशन तक अपनी डेस्टिनेशन तक। इसने कहा 10 मिनट बचेंगे तो हमें से गली में घुस गए। एक में क्या घुसेगी तो गलियां गलियां आ गई। अंटिल एंड अनलेस एक नाला आया और आदित्य ने कहा इसके उधर जाना है, नाले का नो क्रॉस करना है, नो ये नहीं हो पाएगा। अब हम वापिस जा रहे हैं और ये क्वालिटी थोड़ी खराब होगी क्योंकि मैं कैमरा नहीं निकालने वाला यहाँ पे तो भाई बिल्कुल। वी मेड इट आउट अलाइव फ्रॉम दैट गली। अभी हम मेन रोड पे फाइनली आ चुके हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लंबा रास्ता बचा है लेकिन हम थकते थोड़ी है। हम थकते हैं क्या? अरे भाई आंखों में पसीना चलेगा। फक आदमी को कभी थकना नहीं चाहिए यार। ये देखो लोग उल्टे आते हैं। ये देखो आए चले जा रहा बाइक वाला आए। अरे ये पैदल चलने का है। एक तो ये पैदल चलने का ट्रैक है, दूसरा तुम उल्टे भी आ रहे हो। कितनी गलतियां कर सकता है इंसान। This is supposed to be a cycle track या फिर पैदल चलने वालों का रास्ता, लेकिन इन बाइक वालों ने सब जाम करके रख दिया है। इनकी रोड थोड़ी उस तरफ थी लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। So we started from here and right now हम यहाँ तक आ गए चल के। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना चल के पहुँचने वाले हैं। So अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर बचे हैं until we reach इंडिया गेट। लेकिन पता है मैंने बस यही कहूँगा कि दिस होल वॉकिंग थिंग ये कितनी प्योर कितनी फ्रेश है। पता है विद एवरी न्यू स्टेप ना यू गेट टू सी समथिंग न्यू। वो जो एक्सपीरियंस है ना वो जो एक एक बस नेचुरल चीज़ है कि बस चलो। देखो इंडिया में वॉकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क क्योंकि जैसे कि तुमने देखा कहीं भी लोग बाइक चढ़ाते हैं, कहीं भी लोग उल्टे आते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है। बट इट्स पार्ट ऑफ इट द एक्सपीरियंस ना यार। हम लोग ना अपनी सिटीज को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं। यही अगर हम किसी और सिटी में घूमने जाए या किसी हिल स्टेशन जाए या किसी कंट्री जाए तो हम वहाँ बहुत चलेंगे, हम वहाँ नई नई चीज़ें देखेंगे, लेकिन हमने ना अपनी सिटी आज तक एक्सप्लोर नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई भी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अभी आता है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो देखेगा ये रेड फोर्ट देखेगा, वो ये देखेगा, वो देखेगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा दिल्ली में रहते हुए भी। दैट इज़ अ थिंग, अपनी सिटी को एक्सप्लोर करो। मुझे पता है क्या लगता है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद एक भी इंसान ऐसा कर लेता है ना तो हमारा एफर्ट हो गया। मतलब अगर एक भी इंसान चल देता है ना इतना तो मुझे लगेगा कि हो गया। हाँ। कुछ तो बता दिया लोगों को, कुछ तो बता दिया। जो भी ये करता है ना वो या तो उसकी YouTube वीडियो बनाए या Instagram स्टोरी बनाए, कुछ भी करे और फिर वो ना मुझे भेज दे, फिर आगे मैं उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन चैलेंज बनाते, इसको चैलेंज बनाते हैं एक्सप्लोर योर सिटी। हाँ ठीक है, इसको चैलेंज बनाते हैं, एक चैलेंज बनाते हैं कि अपनी सिटी एक्सप्लोर करो, कैसे भी करो बस करो और चल के करो तो बहुत ही अच्छा है। छोटी सी चीज है, नॉट लाइक घर से मार्केट तक चले गए कि कुछ अलग, कुछ अलग करो, कुछ अलग देखो। चलो अब आगे चलते हैं। हमने अभी एक छोटा सा पानी का ब्रेक लिया है। देखो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ अभी, वो आइडिया ये है कि ये इंडिया गेट पहुँच के हमने बहुत ज्यादा चल लिए, बहुत गर्मी और अब अगर इसको थोड़ा सा एक पॉइंट चक के रखना है ना, फाइव स्टार हाँ बोलो, अगर कुर्ते में जान है ना अभी फाइव स्टार चलेंगे। इंडिया गेट होते ही फिर फाइव स्टार ऐसे ही जाएंगे, लथपथ पसीने में इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही जाएंगे। बोलो हाँ या ना है। दिस इज इट, दिस इज लिविंग लाइफ स्पॉन्टेनियसली। इतनी स्पॉन्टेनियस जियो की मतलब मजा ही आ जाए। बोलो यार जल्दी बोलो हाँ या ना। मैं थोड़ी बना चलो चलो तो डन। वी हैव द लास्ट फाइनल स्ट्रेच ऑफ 1 किलोमीटर लेफ्ट, लेट्स गो। कैसा लग रहा है? आ गए। मैंने कसम खाई थी, लास्ट स्ट्रेच में मेरे पैर लिटरली जवाब दे गए हैं, आग लगी पड़ी है पैरों में, रुकना नहीं था। मैं कभी इंडिया से के कितनी खुश नहीं हुई यार। अल्लाह क्या ये कुछ अलग ही है, ये अलग है। पता है
अ लॉट ऑफ टाइम्स आई आस्क पीपल कि यहाँ चलें वहाँ चलें ये करें वो करें, लेकिन उनका ना कभी कभी आंसर होता है कि वहाँ जाके क्या करेंगे या कुछ करते हैं या क्या होगा वहाँ जाके। और मैं ना जब उनका आंसर सुनता हूँ ना सुनते मैं कहता हूँ ये आदमी मुर्दा है, ये आदमी फेल है, इसके साथ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि जर्नी का मजा होता है भाई, ये मजा नहीं होता है वहाँ जाके क्या करेंगे। तो यहाँ पे आके हमने क्या करा है? हमने बबल मेकर खरीदा है। हमने कुछ भी नहीं करा है, पर मजा आया ना बहुत। इट्स अ जर्नी भाई, तू डेस्टिनेशन के पीछे क्यों? एग्जैक्टली, बस मजा आया है, करना जरूरी नहीं होता है, मजा करना जरूरी होता है। सो वी ऑलरेडी मेड दिस डे मोर देन जस्ट अ डे, लेकिन अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है कि जैसा कि हमने कहा था कि जिसके गुर्दे में है दम वो जाएगा हमारे साथ फाइव स्टार होटल, तो अब हम जा रहे हैं फाइव स्टार होटल। देख लिया आइडिया गेट, हो गया हमारा आज का सफर कंप्लीट, लेकिन नाउ टू विवांता। अरे टू विवांता यार, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम फाइव स्टार में आ चुके हैं, सो राइट नाउ वी आर इन येलो ब्रिक डोर। हमने यहाँ पे थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पीना मंगा लिया है, यहाँ हम खत्म करेंगे एंड देन वी विल एंड टुडेज व्लॉग। काफी हो गया आज के लिए कंटेंट। फील कैसे आ रही है तुम्हें? मजा कैसे आ रहा है? मजा कोई थका कौन था? थकना नहीं है जिंदगी में, थकना नहीं है और मजे भी पूरे लेने हैं। अगर इतने चले हैं ना तो फिर यहाँ फाइव स्टार में चिल भी करना है। अरे उधर तो जा, मैं कैसे बैठूंगा? Now it's time to end the vlog. It has been more than just a day for me. If you like this video, then please give this video a like. हम इतना चल के गए ना, like दो video को। मैं सोच रहा हूँ कुछ 400 likes. Give this video 400 likes. कर दो यार. That's it. I'll meet you in another more than just a day. Till then, live a vibrant life. Bye bye. We can take this outside, outside. Looking at the stars, staring with my mouth wide. Chale, 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 chale. Please, I'm tired now. It's too stupid for me to do.